भारत की युवा ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानानंद ने शतरंज के मैदान में इस साल दूसरी बार एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। 16 साल के भारतीय ग्रैंड मास्टर ने दुनिया के नंबर वन चेस मास्टर मैग्नस कार्लसन को 3 महीने में दूसरी बार करारी शिकस्त दी है। प्रज्ञानानंद ने इससे पहले 21 फरवरी को ऑनलाइन रैपिड शतरंज टूर्नामेंट एयर थिंग्स मास्टर के 8वें दौर में कार्लसन को 39 चाल में शिकस्त दी थी। दूसरी बार भी चेसेबल मास्टर्स टूर्नामेंट में हराया है। चेसेबल मास्टर्स एक 16 खिलाड़ियों का ऑनलाइन रैपिड चेस टूर्नामेंट है। 40वीं चाल में बड़ी गलती पड़ी कार्लसन को भारी। आइए बताते हैं आपको पूरी बात। टूर्नामेंट में प्रज्ञानानंद और कार्लसन के बीच 5वें राउंड में मुकाबला खेला जा रहा था। यह मैच काफ़ी रोमांचक रहा। एक समय यह मुकाबला दोनों के बीच ड्रॉ होने जा रहा था, तभी 40वीं चाल के बाद कार्लसन ने एक बड़ी गलती कर दी और उसका खामियाजा उन्हें हार के साथ भुगतना पड़ा। 40वीं चाल में गलती के बाद अगली ही चाल में प्रज्ञानानंद ने कार्लसन को मात दे दी। चेसेबल मास्टर्स टूर्नामेंट के दूसरे दिन के बाद कार्लसन 15 पॉइंट के साथ तीसरे स्थान पर हैं, जबकि प्रज्ञानानंद 12 अंकों के साथ 5वें स्थान पर है। चीन के वेई 18 के स्कोर के साथ टॉप पर है। इसके बाद डेविन एंटोन हैं, जिनके पास 15 का स्कोर है। आपको बता दें कि मास्टर्स चेस चैंपियन प्रज्ञानानंद को क्रिकेट का भी शौक है। जब भी समय मिलता है तो वह मैच खेलने के लिए जाते हैं। क्या आप भी क्रिकेट के फैन हैं? हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।